आपका हमारे YouTube चैनल पर। तो फ्रेंड्स थंबनेल देखकर तो आपको आइडिया हो ही गया होगा कि हम यहाँ पर क्या करने वाले हैं। जी हाँ, हम एक चार्जिंग टेस्ट परफॉर्म करने वाले हैं वन प्लस के बिल्कुल नए फ़ोन, जो कि हमारा वन प्लस नॉट सी ई 5G, और देखेंगे 0 to 100% ये कितनी देर में यहाँ पर चार्ज हो जाता है। तो चलिए ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करते, वीडियो को यहाँ पर शुरू करते हैं। लेकिन फ्रेंड्स आपको एक चीज़ यहाँ पर ज़रूर से बता देते कि हम यहाँ पर ओरिजिनल चार्जर ही यूज़ करेंगे वन प्लस का। और ये देख लो, ये रेड वाली केबल जो कि बॉक्स में हमें मिली है, कोई भी थर्ड पार्टी चीज़ यहाँ पर यूज़ नहीं होने वाला है। तो चलिए फटाफट यहाँ पर चार्जिंग टेस्ट को यहाँ पर शुरू करते हैं। तो ये हमारा वन प्लस, सबसे पहले इसका यहाँ पर कवर निकाल देते हैं, क्योंकि कवर के साथ कभी भी फ़ोन को चार्ज नहीं करना चाहिए, काफ़ी डेंजरस हो जाता है। तो ये मैंने यहाँ पर कवर हटा दिया। ये देख लो, फ़ोन हमारा यहाँ पर बिल्कुल ऑफ है। इसको यहाँ पर लगा देते हैं चार्ज में। ये मैंने प्लग इन कर लिया। ये देख लो, फ़ोन हमारा यहाँ पर, इसे भी शुरू कर लेते हैं। ये हमारा स्टॉप वॉच, फ़ोन यहाँ पर हमारा रीबूट हो रहा है। ये हमारा फ़ोन अभी रीबूट हो रहा है। सॉरी फ्रेंड्स, थोड़ा फोकस का इश्यू हो रहा है। तो फ्रेंड्स देख लो, फ़ोन हमारा यहाँ पर ऑन हो चुका है। और ये देख लो, यहाँ पर चार्जिंग यहाँ पर शो हो चुका है। जी हाँ, अभी फ़िलहाल मेरा 1% ही चार्ज हुआ है। जी हाँ, फ़िलहाल अभी 1% ही चार्ज हुआ है। और ये हमारा स्टॉप वॉच, इसे भी यहाँ पर ऑन कर देते हैं। ये हमने ऑन कर दिया। चलिए अब इसे चार्ज होने देते हैं और फिर मिलते हैं आपसे यहाँ पर 30 मिनट। आप यहाँ पर देख सकते हो कि हमारा 30 मिनट यहाँ पर पूरा हो चुका है, एग्जैक्ट 1 मिनट ज़्यादा ही हो चुका है। और अगर चार्जिंग की यहाँ पर बात करें तो देख लो, 64% यहाँ पर चार्ज हो चुका है 30 मिनट में, यानी कि आधे घंटे में, जो कि सही है, अच्छी स्पीड यहाँ पर हो रही है। एक बिग थम्स अप है मेरी तरफ से वन प्लस को, बिल्कुल सही यहाँ पर चार्जिंग हो रही है, जो मैंने एक्सपेक्ट किया था उसके हिसाब से ही हो रहा है। तो चलिए टेस्ट को यहाँ पर जारी रखते हैं और फिर मिलते हैं आपसे यहाँ पर 15 मिनट। परफॉर्म करते हुए हमें अराउंड 47 मिनट्स यहाँ पर हो चुका है। जी हाँ, और अगर चार्जिंग की यहाँ पर बात करें तो देख सकते हो अराउंड 89% हमारा फ़ोन यहाँ पर चार्ज हो चुका है, जो कि सही स्पीड यहाँ पर हो रहा है। तो चलिए, जब ये अब एक बार ये फुल चार्ज हो जाता है तब आपसे यहाँ पर देख सकते हो कि हमारा जो फ़ोन है वो 100% यहाँ पर चार्ज हो चुका है। जी हाँ, देख सकते हो। और जो टाइम हमें यहाँ पर लगा है 1 घंटा 1 मिनट 17 सेकंड, 1 मिनट हटा देते हैं, यानी कि पूरा पूरी हमें यहाँ पर 1 घंटा लग चुका है 0 to 100% वन प्लस नॉट सी 5G को चार्ज करने में। जी हाँ, अब चार्जिंग को यहाँ पर ब्रेक करते हैं तो बात करते हैं कि कितना टाइम कितना परसेंट लगा चार्ज करने में। तो हाफ एन आवर 30 मिनट्स इसको लग गया, अराउंड 63% चार्ज हो गया थे 30 मिनट्स में, जो कि बहुत अच्छी स्पीड यहाँ पर थी, बहुत अच्छी स्पीड में यहाँ पर चार्ज हुआ। उसके बाद 15 मिनट में अराउंड 89% चार्ज हुआ था, यानी कि 45 मिनट्स में अराउंड 89% चार्ज हुआ। और उसके बाद 15 मिनट में ये अराउंड पूरा 100% यहाँ पर चार्ज हो गया। तो अगर बात करें कि 30 मिनट में 63% चार्ज हो जाता है, यानी कि अराउंड 70% ये चार्ज हो चुका था 30 मिनट में। जो लास्ट के जो 37% थे वो इसको चार्ज करने में अराउंड 30 मिनट्स लग गए, जो कि एक नॉर्मल सी बात है, ऑब्वियस सी बात है। 30 to 40% जो चार्ज है वो फ़ोन को यहाँ पर चार्ज करने में थोड़ा ज़्यादा टाइम यहाँ पर लग जाता है, जो कि कोई डिफेक्ट नहीं है, कुछ भी यहाँ पर नहीं है। अगर ऐसा हो तो आप परेशान मत होना, ऑब्वियस सी बात है टाइम यहाँ पर लग ही जाता है उतना चार्ज होने में। तो यही है फ्रेंड्स, वीडियो में देख ही सकते हो अराउंड 1 घंटा यहाँ पर पूरा लग गया है वन प्लस नॉट सी 5G को यहाँ पर चार्ज करने में, जो कि बहुत सही है, थम्स अप है वन प्लस को मेरी तरफ से। और फ्रेंड्स यही है वीडियो में, अगर पसंद आए तो वीडियो को लाइक करो, सब्सक्राइब करो, शेयर करो, और फिर मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन थैंक यू, हैव अ ग्रेट डे।